बेसिकली हम लोग अपने लाइफ को रूटीन वाइज चलाते हैं। हम लोगों का डेली का जो काम होता है वो भी हम लोग करते हैं और उसको कंप्लीट करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन इस तरह से स्मूथली हमारा लाइफ चलते हुए भी कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से हमारा मेंटली बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस कभी कभार इतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। और कोई कोई लोगों का तो मेंटल स्ट्रेस इतना ही ज़्यादा होता है कि वो लोग अपने माइंड पे कंट्रोल तक नहीं रख पाते हैं, उन लोगों का जो है काम में प्रॉब्लम आ जाता है, काम को सही तरह से कर नहीं पाते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली के रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली के लोगों से झगड़ा वगैरह होता रहता है या फिर दोस्तों से होता रहता है, संबंध जो है वो टूटने लगते हैं या फिर संबंध बिगड़ने लगते हैं, लाइफ का शांति चला जाता है, हर वक्त लाइफ में स्ट्रेस रहता है। तो इस तरह से अगर इतना ही ज़्यादा आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको स्टेप लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा आप नॉर्मली रह रहे हैं, नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं, नहीं, काम तो हम लोगों को करना ही है लाइफ में, लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसे स्टेप भी लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए और मेंटली हम लोग पीसफुल हो सके और एकदम अच्छी तरह से अपना काम कर सके, लाइफ का डिसीजन जो है वो सोच समझ के ले सके, अच्छी तरह से ले सके। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टिप्स मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिससे क्या हो सकता है हमारा लाइफ में, क्या हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है, माइंड हमारा पीसफुल हो सकता है और हम लोग अपने लाइफ के काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं और हमारे फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड के साथ, हमारे सराउंडिंग में जो जो भी है सबके साथ रिलेशन जो है वो स्मूथ कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा माइंड ठीक रहेगा ना तो सब चीज़ ठीक रहेगा, हमारा काम भी ठीक रहेगा, रिलेशन भी ठीक रहेगा, सब कुछ स्मूथली चलेगा। माइंड बिगड़ जाता है तो सब चीज़, अच्छा चीज़ भी बुरा होने लगता है। तो मैंने ये कुछ स्टेप जो है खोज के निकाले हैं क्योंकि मुझे भी कभी कभार ऐसे स्ट्रेस हो जाते हैं और जब स्ट्रेस होते हैं तो मैं ये सब करती हूँ। तो मैंने ये सारे पॉइंट जो अभी बताने वाली हूँ उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो इसीलिए मैं ये सब आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और मैं इसको पॉइंट में जो डिवाइड की हूँ बेसिकली मैंने अपनी डायरी में, यहाँ पे मैंने अपना डायरी रख लिया है और बेसिकली मैंने अपनी डायरी में वो पॉइंट को लिख लिया है ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए और आप लोगों के साथ मैं सब कुछ अच्छी तरह से शेयर कर सकूं ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो चलिए एक एक करके हम लोग पॉइंट को डिस्कस करते हैं और आप लोग जरूर इन सब पॉइंट को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा जिनको भी मेंटल स्ट्रेस है, और देखिएगा कि ये मैजिक की तरह कैसे काम करता है, आपका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक दिन में नहीं होगा, करते 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 थोड़ा टाइम ये लेगा, लेकिन आपका माइंड धीरे 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 जो है वो बैलेंस हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और आप अपने लाइफ के काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे, अपना डिसीजन ठीक तरह से ले पाएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूं वो है मेडिटेट और प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। तो रोज हम अपने बहुत सारे वीडियो में हम बताए हैं कि हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर माइंड हम लोगों का स्ट्रेसफुल हो तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी चाहिए, ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जो माइंड का हो, माइंड को ठीक रखे, माइंड को पीसफुल रखे। इसीलिए हर एक दिन हम तो बोलेंगे कि अगर 1 घंटा आप दे सके बहुत ज़्यादा अच्छा है मेडिटेशन के लिए तो करिए, या फिर योगा के लिए, योगा नहीं हो रहा है तो मेडिटेशन कीजिए 1 घंटा जरूर दीजिए, नहीं हो रहा बहुत आप बिजी हैं तो आधा घंटा देने की कोशिश कीजिए, आधा घंटा भी नहीं हो रहा तो 10 से 15 मिनट तो जरूर दीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान हो जो कितना भी बिजी हो पूरे दिन में 24 घंटे में 10 से 15 मिनट तो निकालना उनके लिए भी संभव है। तो इसीलिए 10 से 15 मिनट भी आप डेली, लेकिन डेली बेसिस पे रेगुलरली आपको देना पड़ेगा, आपको अपने रूटीन में उसको डालना पड़ेगा कि डेली में कोई भी टाइम हो, सुबह कर सके उठ के तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सके तो डे के कोई भी टाइम में आप बैठ जाइए मेडिटेशन करने के लिए और 10 से 15 मिनट कोई भी शांत जगह एक चूज कर लीजिए जहाँ पे कोई चहल पहल ना हो, शांत से बैठ के वहाँ पे आप मेडिटेशन कीजिए 10 से 15 मिनट। और अगर शांत जगह नहीं है घर में तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं, ईयरपॉड लगा सकते हैं कानों में और ओमकार का जो संगीत होता है उसको लगा लीजिए बहुत ही कम आवाज में और उसको सुनते हुए मेडिटेशन कीजिए तो और ज्यादा बेहतर होगा।
तो इस तरह से 10 से 15 मिनट डेली आप मेडिटेशन के लिए दीजिए। हाँ, अगर देखिए दूसरे टाइम में नहीं दे पा रहे तो मैं जो फॉलो करती हूँ वो आप लोग कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब मैं नींद से उठती हूँ ना तो तुरंत मैं बेड से नीचे नहीं चली जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, बेड के ऊपर ही उसी टाइम में बैठ जाती हूँ और बैठ के उसी टाइम में मैं मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ बेड के ऊपर ही, और वहीं पर मैं 20 से 25 मिनट मेडिटेशन करके फिर मैं बेड से उतरती हूँ और उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, ब्रश करना वगैरह, बाथरूम जाना जो भी हो मैं करती हूँ। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नींद उठ के ही वो कर लेंगे ना तो एक काम हम लोगों का हो जाएगा दिन का और डेली हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पहले ही आपका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बाकी जो पूरा दिन का काम है ना वो अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, आपका माइंड जो है पीसफुल हो जाएगा और आप सारे काम जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे, डिसीजन अच्छी तरह से ले पाएंगे। तो इस तरह से आप रूटीन में डाल सकते हैं। और नहीं तो आपको जब भी टाइम मिले दिन में, किसी भी टाइम में मिले, तो उस टाइम में आप करिए, या तो मेरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, नहीं तो अपने टाइप से कोई भी टाइम दिन का निकाल लीजिए और जरूर 10 से 15 मिनट डेली आप कीजिए। आप देखिएगा कि इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा मिला है, बहुत ज्यादा माइंड जो है हम लोगों का पीसफुल हो जाता है। तो जरूर इसको किया कीजिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो मैं बोलूंगी आप लोगों को, जर्नल योर थॉट एंड इमोशंस। ये मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि अपने थॉट को, अपने इमोशन को जर्नल कीजिए। मतलब कोई एक डायरी आप ले लीजिए और उसमें आप मन में जो भी आपका आ रहा है, जो इमोशन आ रहा है, दुख हो, आपका सुख हो, आनंद हो, कुछ भी मन में आ रहा है, उसको आप डायरी में लिखिए। क्यों? क्योंकि मन में हम लोगों का जो आता है ना उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसे इंसान नहीं मिलते हैं जिनसे हम लोग इसको शेयर कर पाएँ, ऐसे दोस्त नहीं मिलते हैं या फिर फैमिली मेम्बर नहीं मिलते हैं इस टाइप का समझने वाला, खुद को तो नहीं मिलते हैं, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मन में जो भी हम लोगों का आता है, दुख हो, खुशी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो भी आए, अगर उसको हम लोग किसी के साथ शेयर कर देंगे ना तो हम लोगों का वो प्रॉब्लम बहुत कम लगने लगता है, हम लोगों का मन जो है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन वही बोले कि ऐसा परफेक्ट इंसान हम लोगों को नहीं मिलता है जिससे हम लोगों को शेयर करें। फ्रेंड में आप यकीन नहीं कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो देखिएगा वो फ्रेंड फिर दूसरे फ्रेंड को बोल दे रहे हैं, उससे आपको बुरा लगेगा कि मेरा जो है मैंने इतना यकीन करके उसको बोला और वो दूसरा को बोल रहा। तो उतना यकीन वाला फ्रेंड चाहिए आपको उसके साथ शेयर करने के लिए, या फैमिली में भी मेंबर ऐसे होने चाहिए कि जो आपको समझे, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। जेन्युइनली हम लोगों का मम्मी पापा जो है उन लोगों का जनरेशन गैप होने के कारण हम लोगों का थॉट जो है वो समझ नहीं पाते हैं। वो दोष उन लोगों का नहीं है, दोष है गैपिंग का। ये जनरेशन जो गैपिंग होता है, थॉट का जो गैपिंग होता है, इसकी प्रॉब्लम से जो हमारे फैमिली मेंबर है वो समझ नहीं पाते हैं, या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम में हम लोग आ जाते हैं ना जो कि फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा ऐसा बात होता है जो हम लोग बोल नहीं पाते उन लोगों को। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं आप लोग, अब हमेशा क्या कीजिए, छोड़ दीजिए किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड रहना। आप में आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है, जो इमोशन आ रहा है, वो आप एक डायरी कर लीजिए और उस डायरी में डेली आप लिखिए, अगर हो सके तो रात में सोने जाने से पहले लिखिए तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा रात में सोने जाने से पहले ही उसको लिखती हूँ, और लिखती हूँ ना तो पूरा फ्री हो जाती हूँ मैं, और उससे क्या होता है रात को नींद बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मन से सारा चीज़ निकल जाता है ना, तो मन बहुत हल्का हो जाता है, तो नींद मुझे बहुत अच्छा आता है, माइंड का सारा स्ट्रेस मेरा निकल जाता है, रात को नींद बहुत अच्छा आता है। तो अगर हो सके तो रात में सोने जाने से पहले आप लिखिए, और अगर नहीं होता है तो दिन में किसी भी टाइम में आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम में बैठ के आप ज़रूर इसको लिखिए और डेली लिखिए जो भी आता है। डेली कुछ ना कुछ तो थॉट मन में आता ही है, नॉर्मल थॉट भी हो सकता है, वो आनंद भी हो सकता है, खुशी हो सकता है, या फिर दुख हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशन हो सकता है, जो भी आता है डेली एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, आदत डाल लीजिए कि डेली हम अपनी डायरी में जो है उसको लिखेंगे, तो धीरे धीरे देखिएगा आपका माइंड का स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और एकदम माइंड जो है आपका पीसफुल हो जाएगा, नींद आपको बहुत अच्छी आने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है रीड बुक्स और आर्टिकल्स। डेली का आदत बना लीजिए कोई ना कोई बुक पढ़ना। हाँ, कोई ना कोई मतलब आलतू फालतू का कोई बुक मत पढ़िए, ऐसा बुक पढ़िए जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले। जैसे हो सकता है कि कोई एक इंसान हो जिसको सोचिए कि सक्सेस मिल चुका है और वो अपना सक्सेस पाने के लिए शायद 10 साल 12 साल स्ट्रगल किया हो और वही स्ट्रगल की कहानी वो एक बुक में लिखा हो, और आप अगर उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, वो 10 साल जो उसका लगा है उस सक्सेस को पाने के लिए, वो सक्सेस का जो जर्नी है, कहानी है, वो आप कुछ ही दिनों में अचीव कर लेंगे। यानी सक्सेस किस तरह से पाया जा सकता है इसका रास्ता आप कुछ ही दिनों में आप अचीव कर लेंगे अगर पूरा बुक को आप पढ़ लेंगे। आपको आइडिया मिल जाएगा कि लाइफ में हम कैसे सक्सेसफुल हो। तो इससे क्या होगा, आप लाइफ में जो गोल तैयार किए हैं कि मुझे ये करना है, वो गोल पाने में आपको सहायता मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि जिस इंसान की कहानी आप पढ़ रहे हैं उनका गोल अलग है, आपकी लाइफ का गोल अलग है, लेकिन उससे क्या होगा कि बहुत सारा आइडिया मिलेगा।
आपको, और उससे क्या होगा ना, माइंड आपका खुलेगा, और माइंड जहां आपका खुलेगा, आप जहां सक्सेस की तरफ जाएंगे, तो आपका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाएगा, स्ट्रेस आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन अगर माइंड में रहेगा तो वो चला जाएगा। ऐसा बुक आप पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा बुक पढ़ सकते हैं जिस बुक से कुछ आपको सीखने को मिले, इस टाइप का बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा बुक पढ़ सकते हैं जिसमें कई सारे थॉट हो, कई सारे इमोशन हो, उसके बारे में बात किया गया हो, जैसे मेंटली स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, या फिर सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, या फिर इमोशनली केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस टाइप का बहुत सारा बुक है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसको भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन डेली आपको पढ़ना है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप भगवत गीता वगैरह, पुराण वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं, इससे तो बहुत ज्यादा शांति मिलता है। अगर आप भगवत गीता, पुराण ये सब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा शांति मिलता है। आप डेली तय कर लीजिए कि मैं आधा घंटा या एक घंटा पढ़ूंगा, अगर उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो आप तय कर लीजिए कि मैं 5 पेज पढ़ूंगा डेली, मैं 5-5 पेज पढ़ूंगा, तो उतना ही पढ़िए। अगर आपको 5 पेज का भी टाइम नहीं मिला तो 2-3 पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, रोज एक टाइम फिक्स कर लीजिए और रोज आप 2-3 पेज अगर हो सके तो रोज पढ़िए। तो पुराना पुराना जो है भगवत गीता हो गया, आपका पुराण हो गया, इससे बहुत ज्यादा सीख मिलता है हम लोगों को, और उससे ना बहुत मन को शांति मिलता है, माइंड को बहुत शांति मिलता है। मैं पढ़ी हूँ ये सब, अभी मैं दूसरा बुक पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं वो सब पढ़ी हूँ, तो वो सब पढ़ने के बाद ना एक जैसे लगता है कि माइंड मैंने नया कुछ माइंड सीख गया है, नया जैसे रोशनी हम लोगों को लाइफ में दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा है, इस टाइप से हमारा माइंड जो है वो अचीव मैंने इस टाइप से पावरफुल हो जाता है, और माइंड का स्ट्रेस सारा कम हो जाता है, लाइफ का प्रॉब्लम आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना प्रॉब्लम है, आपको लगेगा कि जब आप ये सब बुक पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि दूसरे का प्रॉब्लम तो मेरे से ज्यादा है, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में का जो प्रॉब्लम है ना आपके खुद का प्रॉब्लम, तब आपको छोटा लगने लगेगा, लगेगा मेरे से तो कई ज्यादा प्रॉब्लम जो है दूसरे लोगों के हैं। तो इस तरह से तो डेली या तो आप बुक या तो जर्नल कुछ भी पढ़िए, लेकिन आदत डाल लीजिए कि डेली हम बुक पढ़ेंगे, 2 पेज हो 3 पेज हो, अगर आधा घंटा दे सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं दे सके 2 पेज 3 पेज या 5 पेज डेली आप पढ़िए, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक बुक जो हम लोगों को सीख दे सकता है ना, दुनिया का कोई भी चीज़ कोई भी इंसान नहीं दे सकता है, तो इसीलिए डेली आदत डाल लीजिए कि कोई ना कोई बुक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कनेक्ट विथ नेचर, तो हमेशा खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करिए, डेली अगर हो सके जितना टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट हो नेचर के साथ बिताइए, हो सकता है कि आप वॉकिंग पे चले जाइए, या फिर सामने कोई पार्क है तो वहां जाके कुछ देर बिताइए अपने साथ, खुद के साथ, अकेले के साथ बिताइए, या फिर समुद्र का किनारा घर के सामने हो तो वहां पे चले जाइए, या फिर कोई गार्डन है फूलों का, या फिर नॉर्मल कोई गार्डन है तो वहां पे चले जाइए, यानी खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे क्या होगा कि आप खुद को समझ पाएंगे, और नेचर के साथ अगर आप टाइम बिताएंगे तो मन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। हम क्या करते हैं, मेरे घर के सामने एक पार्क है, हम वहां जाते हैं, वहां पे बैठ के ना सिर्फ नेचर को सुनने की कोशिश करते हैं, पत्ता जो झड़ते हैं उसका आवाज जो है उसको सुनने की कोशिश करते हैं, या फिर हवा चलता है तो एक पत्ता दूसरे पत्ता से टकराता है उसका आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, या फिर पंछी जो है वो वहां पे चहकता है उसका आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, और हम ज्यादातर समय क्या करते हैं, मेरा जो घर के सामने पार्क है वहां पे एक तालाब भी है, लेक टाइप का है, और उसके सामने ना एक पेड़ है और वहां पे बैठने का जगह बनाया हुआ है, तो मैं वहां पे बैठ के एकदम आंख को बंद कर लेती हूँ और चुपचाप शांत होके मैं सिर्फ नेचर का आवाज सुनती हूँ, मन इतना शांत हो जाता है ना आपको क्या बताएं, और उसके बाद जब मैं घर में आती हूँ ना तो लगता है मेरा नया दिन शुरू हो रहा है और नए एनर्जी के साथ मैं अपना काम कर पाती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है अगर आप नेचर के साथ टाइम बिताएंगे ना, मन बहुत अच्छा हो जाता है। और जाके नेचर का आवाज सुनिए, और एक काम कर सकते हैं आप लोग कि कोई पार्क या गार्डन में जाके अकेले बैठ के खुद को क्वेश्चन कीजिए कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सा खाना पसंद है, आपको कहाँ घूमने जाना पसंद है, अपने पसंद के बारे में खुद से क्वेश्चन पूछिए, दूसरों के बारे में तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमको क्या कलर पसंद है, तुमको क्या खाना पसंद है, लेकिन खुद से कभी बात किए हैं नहीं ना, तो खुद से बात करना शुरू कर दीजिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद का प्रॉब्लम क्या है उसको जानने की कोशिश कीजिए, खुद के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, अकेले बैठ के अगर सोचेंगे ना तो बहुत देखिएगा आप शांति से अपना सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाएंगे, और नेचर में जब बैठेंगे माइंड ऐसे ही आपका शांत हो जाएगा, बहुत ज्यादा यह काम करता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, मेरा ज्यादा काम घर में ही होता है, मैं बाहर जाने का टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं वीक में 2 दिन या 3 दिन तो निकाल ही लेती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊं, आधा घंटा के लिए जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, और वहाँ जाके मैं अकेली ही जाती हूँ, अकेले जाके सिर्फ नेचर के साथ बिताती हूँ, किसी को साथ लेके नहीं जाती हूँ, जाके अकेले मैं नेचर के साथ बिता के आती हूँ, और बोलती हूँ इतना ही ज़्यादा पीस मिलता है, शांति मिलता है, माइंड इतना ज़्यादा शांत हो जाता है ना कि जब मैं उसके बाद काम करती हूँ तो मेरा काम बहुत अच्छी तरह से होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ घर के सामने जो भी है अगर कुछ नहीं है ना तो वॉकिंग पे चले जाइए,
वॉकिंग पे जाइए और अकेले जाइए, खुद किसी को साथ में लेके नहीं, अकेले जाइए, अकेले के साथ खुद बात करते हुए जाइए, अकेले के बारे में सोचते हुए जाइए, तो बहुत ये काम करेगा, तो ये जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है सेट बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ टाइम। अपने टाइम को प्रायोरिटी दीजिए, दूसरों के बारे में तो बहुत सोचें, अभी दूसरों के बारे में जब आपका माइंड खराब है, जब आपका माइंड जो है स्ट्रेसफुल है, आपका माइंड डिप्रेस्ड है, तब दूसरों के बारे में थोड़े दिन के लिए सोचना छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपने टाइम को प्रायोरिटी दीजिए। आपका जो टाइम है, आप नहाते हैं, खाते हैं, आप काम करते हैं, सब टाइम को प्रायोरिटी दीजिए और अपना एक बाउंड्री आप क्रिएट कर लीजिए कि कौन से टाइम में आपको कौन सा काम करना है। सुबह उठने के बाद से रात में सोने जाने तक आप पूरा अपना टाइम जो है एक डिवाइड कर लीजिए कि कौन से टाइम में मैं क्या काम करूँगी। जैसे मैं जब सुबह उठती हूँ, उठने के बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ बेड में ही बैठ के, उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, जब मैं फ्रेश होती हूँ ना, ब्रश वगैरह करती हूँ या फिर मैं शावर लेती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, पॉजिटिव एफर्मेशन का जो ऑडियो है वो मैं चला के रख देती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशन सुनते हैं तो हमारा माइंड को पॉजिटिवनेस मिलता है, तो अलग से सुनने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ब्रश कर रही हूँ, शावर ले रही हूँ, मैं उसको चला के रख देती हूँ, तो दोनों काम मेरा एक साथ हो जाता है, ब्रश शावर लेना भी हो गया और साथ ही साथ हम पॉजिटिव एफर्मेशन भी सुन लिए, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो टाइम जो है वो मुझे बहुत ही मैंने एनर्जेटिक टाइम मिलता है, उस टाइम में ना मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ, तो मेरा जितना काम है ना वो काम मैं ना उस टाइम में रखती हूँ। सोच लीजिए कि मैं 11 से 1 बजे तक बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, क्योंकि तब तक मेरा इधर एक्सरसाइज हो जाता है, योगा हो जाता है, सावर लेना, ब्रेकफास्ट, मेरा काम जो है खत्म हो जाता है, मैं पूरा फ्री हो जाती हूँ, तो उस टाइम में मेरा जितना काम है, जैसे वीडियो का काम हो गया, राइटिंग का काम हो गया, और कुछ काम हुआ, तो वो टाइम मैं लेती हूँ, बहुत मुझे एनर्जी मिलता है वो 11 बजे से 1 बजे। तो आप लोग भी वही कीजिए कि जिस टाइम में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं उस टाइम में अपने इंपॉर्टेंट काम को रखिए और उस टाइम में उसको करने की कोशिश कीजिए। तो मैं उस टाइम में उसको करती हूँ और 1 बजे के बाद मैं लंच करती हूँ। लंच करने के बाद का जो टाइम है उस टाइम में थोड़ा सा मुझे नींद आने लगता है या फिर थोड़ा सा मैं मैंने कैजुअल फील करती हूँ, तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ कि सोचिए कि जर्नल लिखना हो गया या फिर पॉजिटिव एफर्मेशन लिखना हो गया, तो वो सब काम मैं उस टाइम में करती हूँ, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा थोड़ा नींद आने लगता है, तो वो सब मैं काम जो जो जिस काम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो काम, तो वो काम मैं करती हूँ। और उसके बाद शाम होता है तो शाम के टाइम में थोड़ा सा बाहर चली गई या पार्क में चली गई, कहीं पर चली गई, और उसके बाद वापस आती हूँ। वापस आने के बाद शाम को बैठ के कुछ काम हुआ हुआ उसको मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। करने के बाद जब रात में मैं डिनर लेने के बाद फिर बैठ जाती हूँ जर्नल लिखने के लिए। मेरा डेली का है सोने जाने से पहले मैं जर्नल जरूर लिखूंगी, जर्नल लिखने के बाद मैं सुन जाती हूँ, तो इस तरह से मैं डिवाइड करती हूँ। एनर्जेटिक फील कर रहे हैं उस इंपॉर्टेंट काम को रखिए, और बाकी टाइम में जो बोले कि सुबह आप मेडिटेशन का काम कर लीजिए, नहाते वक्त आप पॉजिटिव एफर्मेशन ऑडियो है उसको सुन लीजिए जो अच्छा लगता है, या फिर अच्छा संगीत सुन लीजिए जो आपको लगता है, जो माइंड को आपको शांति देता है उस टाइप का संगीत लगाइए, उस टाइप का जो है मोबाइल पे लगा दीजिए तो, और उसको सुनते रहिए, तो माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कुछ दिनों के लिए दूसरों के बारे में बिना सोचे खुद के बारे में सोचिए, खुद के टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, खुद को एक बाउंड्री में ढाल लीजिए, और आपका जब आदत पड़ जाएगा ना इस तरह से टाइम डिवाइड करके पूरा दिन को बिताना, जब आदत पड़ जाएगा तो आदत आपका छूटेगा नहीं। जब भी आप देखेंगे कि आप जैसे तैसे काम कर रहे हैं, टाइम वाइज नहीं कर रहे हैं, तब आपको बुरा लगने लगेगा, और ये आदत जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये आदत अगर टाइम में डिवाइड कर लेंगे ना तो देखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपका सारा काम हो जा रहा है, डेली हो जा रहा है। आज कोई काम आप खत्म नहीं कर पाए तो उसको कल के रूटीन में डाल दीजिए, कल आप उसको खत्म कीजिए, तो इस तरह से आपका काम भी होता जाएगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं लगेगा, माइंड में आपका जो है स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा, माइंड हैंग भी नहीं होगा, और आपका काम स्मूथली देखिएगा कि कैसे जो आपका काम हो जाएगा, कैसे जो आपका दिन निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और कोई स्ट्रेस आपको नहीं होगा। तो ये जो 5 पॉइंट मैं आज डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, ज़रूर आप लोग इसको अपने लाइफ में ढालने की कोशिश कीजिए, और आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो जो अभी बोला उस तरह से करने की कोशिश कीजिए, तो अच्छी तरह से आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका माइंड पीसफुल हो जाए तो उसके बाद दूसरों के बारे में भी सोचिए, फैमिली के बारे में सोचिए, फ्रेंड के बारे में सोचिए, उनके साथ टाइम बिताइए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, फ्रेंड के साथ टाइम बिताइए, खुशी का माहौल बनाइए घर में। फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, फ्रेंड के साथ टाइम बिताएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, और खुद खुश रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, फैमिली मेम्बर को खुश रख पाएंगे, दोस्तों को खुश रख पाएंगे, माइंड से स्ट्रेस चला जाएगा तो आप खुश रहेंगे, तो दूसरे जो रहेंगे आपके साथ वो भी खुश रहेंगे, तो सारा माहौल आपका साइड का जो है वो सराउंडिंग का माहौल जो है वो आप खुशी से भर जाएगा।
तो आप लोग ज़रूर इस 5 पॉइंट को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए और देखिए मैजिकली कैसे ये काम करता है, क्योंकि ये मेरे लाइफ में बहुत काम कर चुका है। मैं ये सारा चीज़ जब भी मुझे स्ट्रेस फील होता है, जब भी मेरा माइंड खराब होता है, हैंग होता है, मैं ये 5 चीज़ को ज़रूर अप्लाई करती हूँ और डेली के रूटीन में मैं इसको डाल ली हूँ, जिस वजह से अभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होता। मुझे कोई माइंड का स्ट्रेस होता ही नहीं है, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाए मैं एकदम स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ। मैं खुद को बोल दी हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रेस नहीं लेना है हमको। बस हमको सोचना है एकदम शांत माइंड से कोई भी प्रॉब्लम हो कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकले, हम वो सोचेंगे। हम नहीं सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम के बारे में क्यों हो गया यार, कैसे हो गया, मेरे लाइफ में ऐसे होता है, भगवान मुझे क्यों ऐसे करते हैं, कोई नहीं। मैं सोचती ही नहीं हूँ ये सब, मैं देखती हूँ प्रॉब्लम है मेरा, मुझे जानती हूँ कि प्रॉब्लम है और मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है। मैं इतना ही जानती हूँ, अपने माइंड को मैं यही बोल दूँ कि स्ट्रेस नहीं लेंगे, प्रॉब्लम है उसका, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा तब निकलेगा। तो मैं यही सोचती हूँ, एकदम डायरेक्ट मेरा एकदम सेट बन चुका है, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन निकालने का, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई भगवान को दोष देना नहीं, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है सॉल्व किए, बस आगे एकदम बढ़ते गए जीवन में इस तरह से। तो इसी तरह इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी ये 5 पॉइंट को जरूर अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए, देखिएगा आपका माइंड का जो भी स्ट्रेस है वो एकदम खत्म हो जाएगा, आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा और सारा काम आप जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे बिना स्ट्रेस लिए। हाँ, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 ये काम करेगा, जितना आप करते जाएंगे, जितना टाइम बीतता जाएगा, आपका माइंड जो है वो सेट होता जाएगा, आपका काम बनता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, और एक कमेंट आप ज़रूर मुझे कीजिएगा कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है माइंड का तो आप लोग क्या करते हैं। मैं तो ये सब करती हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होता है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।